जी, इस वक्त मैं लिबर्टी राउंड अबाउट में मौजूद हूं और आप जैसा कि जानते हैं कि पीएसएल जो है वो जारी है। पीएसएल का आगाज मुल्तान से हुआ था और कराची में भी बहुत से मैसेज खेले गए। अब पीएसएल का मेला जो है वो लाहौर में सजने जा रहा है। लाहौरी जो है वो हर चीज को एक अलग अंदाज से सेलिब्रेट करते हैं और लाहौरी जो है वो पीएसएल को लेकर काफी पुरजोश भी है कि लाहौर में जब मैचेज आएंगे, लाहौरी जाके देखेंगे। तो लाहौर में जो पहला मैच जो है वो यहाँ पर 26 फरवरी को खेला जाएगा लाहौर कलंदर्स और पेशावर जलमी के साथ। और उसके बाद पीएसएल का जो आगाज था वो दो मरहलों में किया गया। पहले मैचेस जो हैं वो कराची और मुल्तान में डिवाइड किए गए। उसके बाद सेकंड हाफ में जो है मैचेस लाहौर और उसके साथ साथ पिंडी स्टेडियम में जो है वो खेले जाएंगे। तो लाहौरी काफ़ी ज़्यादा पुरजोश दिखाई दे रहे हैं। लाहौर लास्ट पीएसएल जीत भी चुका है, दिफाई चैंपियन भी है। तो इस हवाले से जो लाहौरी फैंस हैं वो इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं कि इस सीज़न में भी लाहौर जो है वो अपनी जीत का सिलसिला बरकरार रखेगा, ट्रॉफी एक बार दोबारा से लाहौर उठाएगा। इसका फैसला तो आने वाले मैचेस में ही पता चलेगा। लेकिन लाहौर में तैयारियां जो हैं वो शुरू हो चुकी हैं, डिकोर वगैरह जो है उसके हवाले से भी तैयारियां मुख्तलिफ की जा रही हैं। तो पहला मैच जो लाहौर में कजाफी स्टेडियम में खेला जाएगा वो लाहौर कलंदर्स और पेशावर जलमी के दरमियान मुकाबला होगा। और पेशावर जलमी जो है उनकी टीम भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, उनकी काफ़ी ज़्यादा फैन फॉलोइंग भी मौजूद है। तो ये एक मज़ेदार किस्म का लाहौर का कॉम्बिनेशन जो है वो बनने वाला है।